टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे नौपाड़ा पुलिस ने दो ऐसे जालसाजों को गिरफ्तार किया है जो घरों में ज़्यादातर ऐसे बुजुर्गों को शिकार बनाया करते थे जो अकेले रहते थे। ऐसी तमाम शिकायतें नौपाड़ा पुलिस में दर्ज थी और नए नए मामले भी सामने आ रहे थे, जिसके बाद नौपाड़ा पुलिस ने एक टीम बनाई और इस टीम ने गणेश करावड़े 31 वर्ष जो डोंबेवली का रहने वाला है और दूसरा आरोपी प्रकाश गायकवाड़ 23 वर्ष जो घाटकोपर का रहने वाला है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल ये लोग बुजुर्गों को अपना टारगेट बनाते थे, केबल दुरुस्ती करने के बहाने से घरों में घुसकर नई नई स्कीमें बताया करते थे और स्कीमों के जरिए सोने के जेवर लेकर फरार हो जाते थे। मगर आखिरकार नौपाड़ा पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 97.5 ग्राम सोने के जेवर बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 5 लाख रुपये बताई जा रही है, और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। कुल कीमत 6,30,500 रुपये बताई जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके DCP अंबूरे ने क्या जानकारी दी है। डिटेक्शन टीम है, DPI अंबूरे, PSL लपड़े और उनकी टीम ने दो आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। बेसिकली उनकी बड़ी समझ नहीं ये थी कि केबल दुरुस्ती, केबल रिपेयर करना है, ऐसा कह के वो जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं उनके घर में जाते थे और किसी बहाना से उनको उनके सोने के जो दागिने हैं, गहने हैं, वो मंगाते थे। जैसे सोने की बांगड़ी है, सोने के मंगलसूत्र हैं, वो मंगा के फिर उनको फंसा कर वहाँ से वो भाग जाते थे। ऐसे काफ़ी सारे गुन्हे हमारे नौपाड़ा पुलिस स्टेशन, ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए। हमारी टीम उसमें सीनियर के मांगले ACP पायल मैडम और उनकी टीम ने बहुत ही अच्छी कामगिरी करके साइना गायकवाड़ और गणेश करावड़े नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 97.5 ग्राम्स का सोना, करीबन 5 लाख का उसका मूल्य है, 2 मोटरसाइकिल्स और एक मोटरसाइकिल जो वो गुना करने के लिए यूज़ करते थे, ऐसा टोटल 6.30 लाख का मुद्देमाल हमने अभी तक रिकवर किया। सर रोकथाम के